बीएससी फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स में हम लोग शैवाल या एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स भी स्टडी कर चुके हैं, इसकी क्लासिफिकेशन स्टडी कर चुके हैं, और इसके बाद हमने साइनोफाइसी जो क्लास है या जो वर्ग है उसके हमने जनरल कैरेक्टर सारे देख लिए थे। अब हम उसका जो पहला मेंबर है हमारे सिलेबस में नॉस्टॉक, उसका अध्ययन शुरू करते हैं। जो नॉस्टॉक है ये इसकी क्लास साइनोफाइसी है, और इसकी जो फैमिली है वो इसका ऑर्डर नॉस्टोकेल्स है और इसकी फैमिली नॉस्टोकेसी होती है। नॉस्टॉक जो है ये फ्रेश वाटर या ज़्यादातर ये फ्रेश वाटर है, कभी कभी स्थलीय वासों में भी पाया जाता है। और ये जैसे जो फ्रेश वाटर जहाँ पे तालाब है या गड्ढों में छोटी छोटी गेंद के समान ये म्यूसिलेजिनस कॉलोनी के रूप में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। इनका जो कलर होता है वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, और ये जो गेंदों के समान संरचना होती है ये कई बारी 8 सेंटीमीटर तक, कुछ मिलीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक का भी ये हो सकता है। ज़्यादातर ये जो नॉस्टॉक की स्पीशीज़ हैं ये नम भूमि में या एक चिकनी परत के रूप में पाई जाती हैं। इसकी कुछ जो स्पीशीज़ होती हैं वो एंडोफिटिक या अंतपादपी भी हो सकती हैं। जैसे इसकी स्पीशीज़ एक नॉस्टॉक की स्पीशीज़ है वो साइकस की कोरोलॉइड रूट्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन के रूप में पाई जाती है। इसी प्रकार से एंथोसिरोस में के थैलस में भी जो एक ब्रायोफाइटा होता है उसके थैलस में भी ये सिम्बायोटिक रूप से पाई जाती है। और आपको पता ही है कि कुछ जो लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स में शैवाल और फंजाई मिलके संरचना का निर्माण करते हैं, तो उनमें भी नॉस्टॉक की वैराइटीज़ जो कुछ स्पीशीज़ हैं वो उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाई जाती हैं। जो अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात, इसके नॉस्टॉक की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे, तो इसकी जो कॉलोनी होती है ये अनेक एक पंक्तिक तंतुओं या यूनिसीरिएट फिलिमेंट से बनी हुई होती हैं। मतलब कि ये एक पंक्ति पे, एक ही पंक्ति में इनके सेल्स जो है वो लगे होते हैं, और इसको हम लोग ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम की सभी कोशिकाएं, अगर आप ये चित्र भी देखें तो इसमें जितनी भी कोशिकाएं हैं सब एक ही साइज की होती हैं। नॉस्टॉक के ट्राइकोम की सभी कोशिकाएं एक ही आकार की और एक ही समान संरचना की होती हैं। नॉस्टॉक के ट्राइकोम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि इनमें कोशिकाओं के बीच में संकुचन या कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है। आप ध्यान से देखिए तो इनमें संकुचन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ये नॉस्टॉक की ट्राइकोम है ये माला नुमा हो जाती है, जैसे कोई माला पड़ी हो, बीट्स नुमा इसमें सेल्स हमें प्रतीत होते हुए नजर आते हैं। और ये ट्राइकोम्स के चारों तरफ एक श्लेष्मी या जिलेटिनस आवरण जो है वो पाया जाता है। नॉस्टॉक का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखा रही हूँ, ये है हेटरोसिस्ट। ये हेटरोसिस्ट उपस्थित होता है। हेटरोसिस्ट प्रायः इंटरकैलरी या कोशिकाओं के बीच में होता है, पर कभी कभी ये अंतस्थ भी स्थित हो सकता है, मतलब किनारों लास्ट में भी पाया जा सकता है। और इन हेटरोसिस्ट के आप ध्यान से देखिए, इसके जो किनारे होते हैं दोनों सिरों पर एक एक छिद्र होता है। मैं इसका एक अन्य डायग्राम भी आपको दिखाऊंगी हेटरोसिस्ट का, ये आप देख लीजिए। ये एक हेटरोसिस्ट है, इसके किनारों पर एक छिद्र होता है और जिसके द्वारा ये जो इसकी नेक्स्ट जो कोशिका है उसके साथ इसका संपर्क बना रहता है। और जो मैच्योर हेटरोसिस्ट होता है उसमें ये छिद्र जो है वो कुछ रिफ्रैक्टिव मटेरियल के प्लग से बंद हो जाता है। तो इनको, ये जो प्लग होते हैं इनको पोलर नोड्यूल्स कहा जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो ये छिद्र जो बंद हो रहे हैं वहाँ पे रिफ्रैक्टिव मटेरियल से ये बंद हो रहे हैं और इसको पोलर नोड्यूल्स कहा जाता है। ज़्यादातर ये हेटरोसिस्ट कुछ कोशिकाओं के बीच में एकल में मिलते हैं, पर कभी कभी ये श्रृंखलाओं में भी हमें मिल सकते हैं। अब आप इधर का भी चित्र देखिए, बिल्कुल जैसे लग रहा है जैसे कोई माला पड़ी हो, तो क्योंकि इनकी कोशिकाओं के बीच में कंस्ट्रिक्शंस हैं इसकी वजह से माला के रूप में नजर आ रही हैं।
अब आप ये देखिए कि इसके आसपास म्यूसिलेज है, आपको दिख रहा है, इसको कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनी के रूप में पाया जाता है, और इनके बीच में कुछ आकार में बड़े सेल्स नज़र आ रहे हैं, वो हेट्रोसिस्ट है। ये देख लीजिए, ये नोस्टोक का जिलेटिनस मैट्रिक्स, ये कॉलोनी है, ये बॉल नुमा संरचना नज़र आ रही है हमको। और ये देखिए, ये जो ये एक इसका एकल कोशिका का स्ट्रक्चर है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, और ये एक हेट्रोसिस्ट है जिसको मैंने आपको अभी समझाया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सेल के स्ट्रक्चर की। तो ट्राइकोम की जो प्रत्येक कोशिका होती है वो या तो गोल होगी या अंडाकार हो सकती है। आप देख सकते हैं इसमें हमें कोशिका जो है वो अंडाकार नज़र आ रही है, और ये इसकी कोशिका जो भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है। जो इसकी सेल वॉल है वो म्यूकोपेप्टाइड से बनी हुई होती है, और इसका जो साइटोप्लाज्म या जीव द्रव्यक होता है उसके जो किनारे होते हैं या उसके उसके मतलब पेरिफेरी में जिसको हम परिधि भी कह सकते हैं, इसकी परिधि में क्रोमोप्लाज्म जो है वो पाए जाते हैं, और केंद्र में सेंट्रोप्लाज्म पाया जाता है। आप चित्र में देख लीजिए, क्रोमोप्लाज्म नज़र आ रहा है आपको, सेंट्रोप्लाज्म नज़र आ रहा है। जो क्रोमोप्लाज्म है उसके अंदर पिगमेंट्स या वर्णक पाए जाते हैं। इसमें जो साइनोफाइसियन प्रोटीन की जो ग्रैन्यूल्स हैं, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल्स भी कोशिकाओं के बीच में पाए जाते हैं, और साइनोफाइसियल स्टार्ची, दो चीज़ें इसके अंदर पाई जा सकती हैं। केंद्र में जो सेंटर में सेंट्रोप्लाज्म होता है ये रंगहीन होता है, और ये नाभिकीय केंद्र होता है, परंतु जो इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान इसके अंदर न्यूक्लियस का अभाव होता है, और न्यूक्लियोलस भी इसमें नहीं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनका अभाव होता है, और इनके अंदर आरंभी केंद्रक या इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं इसके जो कोशिकाएं हैं ये प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अभाव होता है। तो ये मैंने अभी आपको इसके बारे में समझाया, इसके स्ट्रक्चर को बता दिया, और ये हमने इसकी एक कॉलोनी का स्ट्रक्चर आपको समझा दिया, किस प्रकार से कोशिकाएं इसमें व्यवस्थित होती हैं, और एक कोशिका का और हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर जो है वो भी आपको डिटेल में समझा दिया गया है। ये देख लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, सिंगल सेल ऑफ नोस्टॉक है, इसका जो स्ट्रक्चर है मैं आपको समझा ही चुकी हूँ कि म्यूकोपेप्टाइड से द्वारा बनी हुई इसकी सेल वॉल होगी, और इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होगा, न्यूक्लियस का अभाव होगा, क्रोमोप्लाज्म प्रेजेंट है जिसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल और साइनोफाइसियन स्टार्च ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, और सेंटर में सेंट्रोप्लाज्म पाया जाता है जिसके अंदर इंसिपिएंट न्यूक्लियस या जिसको हम आरंभी केंद्रक कहते हैं वो पाया जाता है। ये नोस्टॉक जो है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये नमी वाली सॉयल में, नमी वाले जो रॉक्स होते हैं उसमें पाए जा सकते हैं, कुछ लेक्स में पाए जा सकते हैं, उनके बॉटम में पाए जाते हैं, और ये बहुत कम ऐसे अवस्था होती है जब ये मैरिन में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर ये शैवाल है, और जैसे मैंने आपको बताया ये एंडोफिटिक भी पाया जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसके कैरेक्टर्स जो है वो मैं आपको पहले समझाई चुकी हूँ, उसको फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं हम लोग, कि ये मुख्य रूप से एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके जो सेल्स हैं वो मोती की माला के समान एक चेन में लगे हुए होते हैं, जो कि एक जिलेटिनस या श्लेष्मीय मास के अंदर पाई जाती हैं, इसको हम लोग कॉलोनी कहते हैं। इसका जो साइज है वो कुछ माइक्रोस्कोपिक से लेके और एक अखरोट के समान करीब, मैंने आपको बताया था कि इसका साइज जो है वो 8 सेंटीमीटर तक जो है इसका हो सकता है, और रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन की बात हम लोग बाद में करेंगे। और इसमें कुछ स्पेशल सेल वॉल्स का, सेल्स का निर्माण होता है जिसको एकाइनेट्स कहते हैं। ये जो एकाइनेट्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन में भी मदद कर सकते हैं, पर ये मुख्य रूप से जो एकाइनेट्स का काम होता है ये निश्चेष्ट या रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं, क्योंकि ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, और ये भोजन एकत्र करके बड़े आकार के हो जाते हैं, और ये मुख्य रूप से सुप्त कोशिकाएं या बीजाणु का निर्माण करते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग फिर से बात करते हैं कि ये एकाइनेट्स क्या होते हैं। जो एकाइनेट्स होते हैं
इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये शुभ तपस्था में या ड्राई स्टोरेज में 70 साल के बाद भी अगर इनको नमी प्रदान की जाए तो ये जो है फिर से जर्मिनेट करके नए फिलामेंट का निर्माण कर सकते हैं। इनके जो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे साइनोफाइसी का मुख्य लक्षण है कि इसमें ब्लू कलर का फाइकोसाइनिन और रेड फाइकोएरिथ्रिन जो है वो क्लोरोफिल के साथ पाए जाते हैं, ये भी इसके जिसकी वजह से इसमें ब्लू ग्रीन कलर जो है हमें देखने को मिलती है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो नॉस्टॉक के साथ होती है कि ये जो नॉस्टॉक होता है इनमें एबिलिटी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू सॉरी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, और नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो इसकी जो विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जिनको हम लोग हेट्रोसिस्ट कहते हैं उनमें होती है। तो ये जो नॉस्टॉक होता है इसमें ये एबिलिटी होती है कि नाइट्रोजनस जो फ्री नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का कार्य करता है। इसीलिए नॉस्टॉक की कुछ जो जातियां होती हैं वो धान के खेतों में सामान्य रूप से पाई भी जाती हैं, और ये नाइट्रोजन यौगीकरण या फिक्सेशन के द्वारा भूमि को उपजाऊ बनाने का भी कार्य करता है। अब हम बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। नॉस्टॉक जो है वो वेजिटेटिवली और एसेक्सुअली इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है, और जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो खंडन के द्वारा हो सकता है, हार्मोगोनिया के द्वारा हो सकता है, अकाइनिड्स के द्वारा हो सकता है, हेट्रोसिस्ट के द्वारा हो सकता है, कई बार एंडोस्पोर्स के द्वारा भी हो सकता है। तो मुख्य रूप से जो इसमें पाए जाते हैं वो फ्रैगमेंटेशन, हार्मोगोनिया, एकाइनिड्स और हेट्रोसिस्ट के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे कभी कभी इसकी जो कॉलोनी है या इसमें कोई मैकेनिकल इंजरी या कोई क्षति हो जाती है जिसके द्वारा जो कॉलोनी है वो छोटे छोटे खंडों में टूट सकती है, और प्रत्येक खंड जो है वो फिर एक नई कॉलोनी बनाने की क्षमता रखता है। तो ये तो हो गया फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। दूसरा है हार्मोगोनिया के द्वारा। हार्मोगोनिया जो है वो कायिक जनन की सबसे सामान्य विधि है। मैं अभी आपको चित्र दिखाती हूँ। ये आप डायग्राम देखिए, ये हार्मोगोनिया के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन दिखाया जा रहा है। ये हार्मोगोन्स हैं। हार्मोगोनिया में ये देखिए, ये हार्मोगोन्स हैं। ये कायिक जनन की सबसे सामान्य विधि है जो नॉस्टॉक में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि कुछ सामान्य जो इंटर कैलोरी सेल्स या अंतर्वेशी कायिक कोशिकाएं होती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं, मतलब वो उनका अपहरासन हो जाता है या डीजेनरेट हो जाती हैं, या वो हेट्रोसिस्ट के निर्माण से ट्राइकोम जो है वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, या तो वो हेट्रोसिस्ट के द्वारा या कुछ इंटर कैलोरी सेल्स जो है वो डीजेनरेट कर जाती हैं जिसकी वजह से ये कोशिकाएं जो हैं वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाती हैं, और ये जो बहुकोशिकीय खंड होता है ये बाद में ग्रो करके और कंप्लीट जो ट्राइकोम है उसका निर्माण कर सकता है। इसको हार्मोगोनिया कहते हैं। हार्मोगोनिया कॉलोनी के जो है वो उसके बाहर फिर उसके बाहर भी जो विसुरेशन आवरण आवरण का निर्माण हो जाता है और वो नई कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हार्मोगोनिया की जो मात्र कॉलोनी के बाहर नहीं निकल पाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसी कॉलोनी के भीतर नए ट्राइकोम्स जो हैं वो बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इकाइनिड्स के बारे में। इधर देख लीजिए, ये इकाइनिड आपको नजर आ रहा है। जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है उसमें क्या होता है कि जो ट्राइकोम की कुछ कोशिकाएं या ट्राइकोम सी कुछ सेल्स जो होती हैं वो भोजन एकत्र करके आकार में थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, और इनकी जो भित्ति है, इनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी मोटी हो जाती है। ये कोशिकाएं जो है सुप्त बीजाणु या रेस्टिंग स्टोर भी हम कह सकते हैं, या इनको हम लोग एकाइनिड्स कह सकते हैं। और इनकी विशेषता ये होती है कि ये जो एकाइनिड्स होती हैं ये कम तापमान में या बिल्कुल जल के अभाव में भी ये जो है वो जीवित रहती हैं या उसको रिजिस्ट कर सकती हैं, और पक्षियों के द्वारा या जंतुओं के द्वारा या वायु के द्वारा ये डिस्पर्स भी होती हैं या इनका प्रकीर्णन होता है। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो अनुकूल परिस्थिति में
ये क्या होता है कि बीजाणु जो इसका साइटोप्लाज्म है ये सक्रिय हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है और ये सेल वॉल या जो इसकी मोटी सी बीजाणु भित्ति होती है उसको तोड़कर नया तंतु का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हार्मोगोनिया जो है, ये हार्मोगोनिया के बारे में हमने पढ़ लिया और एकाइनिड्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया किस प्रकार से इनके द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हेटरोसिस्ट की। हेटरोसिस्ट जो होता है इसमें कुछ जातियों में जैसे नॉस्टॉक कम्युनी होता है, इसमें हेटरोसिस्ट जो है वो निष्क्रिय बीजाणुओं के रूप में भी कार्य करता है। इन जातियों में हेटरोसिस्ट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो सक्रिय होके एक नए ट्राइकोम को जन्म देता है और अंकुरण के समय जो इसका साइटोप्लाज्म है उसका वो विभाजित हो जाता है और उसमें दो कोशिकाएं बनाता है और वो पुनः जो है डिवाइड करके चार कोशिकाओं का निर्माण कर देती है और ये चार कोशिकाओं जो होती है वो एक छोटी सी जर्मलिंग का निर्माण करते हैं, जिसमें आप चित्र में देख लीजिए एक जर्मलिंग का निर्माण हो गया है। इस अवस्था में जो हेटरोसिस्ट है इसकी भित्ति टूट जाती है और ये ट्राइकोम बाहर निकल के और नए प्लांट का या नए जो एल्गल ट्राइकोम है नॉस्टक का उसका निर्माण कर सकती है। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य रूप से इसमें रिप्रोडक्शन हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन जो है इसमें फ्रैगमेंटेशन या खंडन के द्वारा हो सकता है और एकाइनिड के द्वारा हो सकता है और उसके बाद ये हार्मोकोन्स के द्वारा होता है और इसके बाद ये हेटरोसिस्ट के द्वारा होता है और कभी कभी ये एंडोस्पोर्स के द्वारा भी होता है। एंडोस्पोर्स को हम लोग अंत बीजाणु कहते हैं। ये नॉस्टॉक की कुछ जातियों में जो है वो एंडोस्पोर के द्वारा भी रिप्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है, जैसे नॉस्टॉक कम्यून में या नॉस्टॉक माइक्रोस्कोपिक्स में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसमें भी क्या होता है कि हेटरोसिस्ट की जो जो साइटोप्लाज्म है हेटरोसिस्ट का वो विभाजित होकर अंत बीजाणु बनाता है। इनका जो हेटरोसिस्ट के उसके बाद ये अंत ये टूटकर एंडोस्पोर्स का निर्माण कर देता है और उसके बाद जब हेटरोसिस्ट की भित्ति का जो विघटन हो जाता है, विघटन होने के बाद प्रत्येक जो बीजाणु है एंडोस्पोर है वो अंकुरित होके और नए ट्राइकोम को बनाने का कार्य कर सकती है। तो मुख्य रूप से फ्रैगमेंटेशन एकाइनिड्स के द्वारा और हार्मोगोन के द्वारा, एंडोस्पोर के द्वारा और हेटरोसिस्ट के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।